बचपन से लेकर आज तक आपने एक गाना सुना होगा जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा यार, मुसीबत में पड़ने पर वो ईश्वर हमेशा हमारी मदद के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। आज की हमारी कहानी इस पर आधारित है जिसे कहेंगे कि सच में भगवान। आज हम आपको पीलीभीत तो टकनबुज के बीच गांव में रहने वाली एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस गाँव के पास में काफ़ी घना जंगल पाया जाता है, वही पास में सावित्री देवी अपनी झोंपड़ी बनाकर रहती है। अपनी 17 साल की बेटी किरण के साथ सावित्री देवी वहाँ रहती है और उनके पति 3 साल पहले ही दुनिया को छोड़कर चले गए। कुछ समय पूर्व कुछ गुंडों ने रात्रि के समय उनके मकान पर हमला कर दिया और सावित्री देवी की पुत्री को उठा लिया गया। किरण ने अपने बचाव में काफ़ी शोर मचाया लेकिन वह नाकाम रही। उसी समय उनकी ज़िंदगी में एक आदमी भगवान बनकर आया। जिस समय गुंडे किरण को उठाकर ले जा रहे थे तभी वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था। ट्रक का ड्राइवर असलम था, उसने ट्रक को रोका और जंगल गया और किरण की मदद करने लगा। उसने देखा कि दो दरिंदे किरण के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। असलम ने उनसे लड़ने लगा तभी पीछे से एक गुंडे ने उस पर वार कर दिया। फिर असलम ने हिम्मत नहीं हारी और उन गुंडों को वहाँ से भगा दिया। किरण को बचाने के चक्कर में असलम और उसके मित्र को बहुत चोट लग गई और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ठीक होने के बाद असलम सावित्री और किरण से मिलकर वहाँ से चले गए। इस घटना के बाद 4 साल हो गए। एक दिन इत्तेफाक से असलम उसी रास्ते से जा रहा था, अचानक से ट्रक में आग लग गई और बेकाबू होकर ट्रक खाई में गिर गया। अचानक से आवाज़ आई, सुनकर सावित्री और किरण वहाँ पहुँचे। उन्होंने किशोर कर असलम की जान बचाई, दोनों उसे उठाकर घर ले गए और डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया। जब असलम होश में आया तो किरण को देखते ही वो पहचान गए और किरण भी उसे पहचान गई। दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन के बाद से किरण ने असलम को अपना भाई बना लिया और रक्षाबंधन पर वह असलम को राखी बांधते। दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर।